সেই জন্য আমি প্রথমে ভবানীপুরের সকল মা ভাই বোনেদের আমার সকল সহকর্মীদের এবং সারা বাংলার মানুষ ভারতবর্ষের মানুষ যারা এই রেজাল্টটার জন্য অপেক্ষা করছিলেন তাদের সকলকে আমাদের ধন্যবাদ কৃতজ্ঞতা অভিনন্দন এবং সালাম জানাচ্ছি। আপনারা জানেন ভবানীপুরে ভোটার খুব কম এবং এখানে 1,15,000 মতো ভোট পোল্ড হয়েছিল টোটাল এবং তাতে বরঞ্চ জঙ্গিপুর এবং শামসেরগঞ্জে ভোটার সংখ্যা অনেক বেশি এবং ওখানে পোল্ডও হয়েছে 80% 70%। কিন্তু ভবানীপুরে এটা চিরকালের ধারা। আমি যখন 1911 সালে মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে বাই ইলেকশনে কন্টেস্ট করেছিলাম তখন আমি 54,000 ভোটে জিতেছিলাম রেকর্ড ব্রেক করে, কারণ তখন 44% ভোট পড়েছিল টোটালটাই আমাদের। এবং 2016-তে আমি জিতেছিলাম সম্ভবত 25। ये देखिए ममता बनर्जी को आप सुन रहे हैं। भवानीपुर सीट से जबरदस्त जीत हासिल करने के बाद ममता बनर्जी अपनी जीत का ऐलान करते हुए साथ ही साथ भवानीपुर के वोटर्स का शुक्रिया अदा करते हुए 58,832 वोटों से बीजेपी की कैंडिडेट प्रियंका टिब्रेवाल को ममता बनर्जी ने हराया है। दरअसल इस बार के विधानसभा चुनाव का सबसे जोरदार सबसे जबरदस्त मुकाबला नंदीग्राम सीट पर हुआ था, ममता बनर्जी वर्सेस शुभेंदु अधिकारी का। जी हां, वो शुभेंदु अधिकारी जो कि टीएमसी का पाला छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में जाते हैं और नंदीग्राम से चुनौती देते नजर आए ममता बनर्जी को। ममता बनर्जी ने वो चुनौती एक्सेप्ट की, नंदीग्राम से चुनाव लड़ी, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा शुभेंदु अधिकारी से। और इसी वजह से ये बहुत ज़रूरी हो गया था, संवैधानिक मजबूरी थी कि ममता बनर्जी फिर किसी सीट से चुनाव लड़ें और जीत कर आएं। तो भवानीपुर सीट का यानी अपनी पुरानी सीट का चुनाव किया ममता बनर्जी ने और यहाँ से 58,000 से ज़्यादा वोटों से बीजेपी कैंडिडेट को हराया। यहाँ पे हर किस्म के लोग रहते हैं, बंगाली रहते, गुजराती रहते, पहाड़ी रहते हैं, सबने वोट दिए हैं। आप लोगों ने देखा कितने पुलिस फोर्स के लिए ऐसी छोटे से रिश्ते करवाने के लिए आज के আমার মন ভরে গেছে এই কারণে যে ভবানীপুরের মানুষ দেখিয়ে দিল, সারা বাংলা আজকে ভবানীপুরের দিকে তাকিয়ে ছিল এবং पूरा बंगाल आज भवानीपुर की तरफ देख रहा था और भवानीपुर ने दिखा दिया। আমরা জিতেও একটা ইলেকশনে আমরা জিততে পারিনি, সেটা কোটে কেস আছে। কেন জিতিনি কি জিতিনি তার অনেক কারণ আছে। इतने बड़े इलेक्शन हम लोगों ने जीत के आए थे, सिर्फ एक सीट में नहीं जीत पाए, वो भी अभी सब्ज्यूटिव है मैटर। आज भवानीपुर के लोग करके दिखा दिया। भवानीपुर मानुष आज के हमारे जो उत्साह दिए चिरऋणी চিরকাল শুধু নয় আমার দল থেকে শুরু করে আমাদের তৃণমূল কংগ্রেসের সব পরিবার मैं इंडेटेड रहूंगा, मेरे पार्टी इंडेटेड रहेंगे। আমরা সকলে ভবানীপুর के पास ভবানীপুর के लोगों के पास আমি দেখাবো, আমি তিনটে দেখাবো। তার কারণ আমি তো একা লড়ছি না, আমার সাথে আমার আরো দুটো কলিগ লড়ছে। আমি এত সেলফিশ নই, আমার জঙ্গিপুরে মন পড়ে আছে, শামসেরগঞ্জে মন পড়ে আছে, কাজেই আমি তিনটে দেখাবো। मेरा अभी दिमाग चल रहा है शमशेरगंज में क्या हो रहा है, जंगीपुर में क्या हो रहा है, तीनों सीट में हम लोग लड़ रहे हैं। रेजल्ट आउट हो गए जंगीपुरे 45,000 बेशी भोटे जीतছি, এখন হয়তো আরো বেড়ে গেছে। জঙ্গিপুর भी लगभग तय है और শামসেরগঞ্জেও কত হয়েছে, শামসেরগঞ্জেও আমরা প্রায় 15,000 ভোটে जीतছি। शमशेरगंज में भी हम लोग 15,000 सीट से आगे हैं, बस हम 15,000 वोटों से आगे हैं। धन्यवाद मानुष के धन्यवाद दीची कृतज्ञता जानाची। एरपर चारटे इलेक्शन आछे बाई इलेक्शन आमी आज के शुभ दिने बाई इलेक्शन चारटे नाम घोषणा करते चाहिए। मैं आज ही चार जो बाई इलेक्शन है उनके नाम घोषणा करना चाहती हूँ। बाई इलेक्शन में कॉन्टेस्ट करबे राजकिशोर गोस्वामी। राजकिशोर गोस्वामी शांतिपुर से लड़ेंगे। সুতরাং খুব ভালো ক্যান্ডিডেট হয়েছে শান্তিপুরের মানুষের কাছে আমরা আবেদন করব এবার ভোটটা আমাদের দিন। बीजेपी के दिए কোনো লাভ নেই और 32 বছর বয়স। टीएमसी को वोट दीजिए। तीन हटाते मैं अपील करना चाहता हूँ वहाँ के लोगों के पास। शोभनदेव चट्टोपाध्याय खड़दा से शोभनदेव चट्टोपाध्याय खड़े होंगे। गोसाबाई नामटा मैं डिक्लेयर करबो একটু পার্থর বক্সির জন্য অপেক্ষা করছি। এই তিনটি নাম আলোচনা করে ক্লিয়ারেন্স হয়ে গেছে। গোসাবাকা নাম थोड़ा लेट डिक्लेयर करेंगे, थोड़ा डिसाइड करना बाकी है। गोसाबा कैंडिडेट नाम अनाउंस করব। আমার কাছে ক্যান্ডিডেট দুটো নাম আছে। একটা নাম আছে মাপ্পাদিত নস্কর। এই নস্কর জয়ন্ত নস্কর ছিলেন। আর একটা নাম আছে আমাদের सुब्रत मंडल। দুটো নাম আমাদের কাছে আছে। দুজনের মধ্যে কে টিকিট পাবে সেটা আমরা একটু दो नाम हमारे पास है उस सीट के लिए। दोनों में से एक डिसाइड करेंगे और फिर हम लोग ऐलान करेंगे उस सीट के लिए। আপনাদের সবাইকে বলবো বজ্রধ্বনি জীবনের ঝুঁকি নিয়ে কিছু করবেন না। আস্তে আস্তে সবকিছু ভালোভাবে হয়ে যাক। আমরা মিছিল করতে সবাইকে বারণ করেছি তার কারণ হচ্ছে এমনি আসলো দেখা করলো চলে গেল সেটা ঠিক আছে যেমন আমি ছেড়ে দিলাম। हम सबको प्रोसेशन करने से मना किया है। फ्लड हुआ है चारों ओर, बारिश होने को है। आज तो प्रशासन से ज्यादा जरूरी है जो बाढ़ पीड़ित है उनके पास खड़े रहना, उनके साथ खड़े रहना। आप सबको दुर्गा पूजा की शुभकामनाएं। हिंदी मैं आप लोगों को कहने चाहूंगी कि बंगाल का जब इलेक्शन शुरू हुआ था तब से बहुत सारे कॉन्स्पिरेसी हमारा पार्टी का खिलाफ में हुआ था। पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट पूरा कॉन्स्पिरेसी करके हम लोग को हटाने का बंदोबस्त किया था। लेकिन हम लोग आभारी हूँ पब्लिक के ऊपर कि जनता ने हम लोग को जीत दिया था। मैंने खुद इलेक्शन में लड़ा था लेकिन वो कोर्ट में केस अभी हाजिर है। इसी के लिए सब जुडिस केस में हम कोई मंतव्य नहीं करेंगे। क्या क्या कॉन्स्पिरेसी नहीं हुआ था। मेरे को पाँव में भी चोट कर दिया था जैसे हम इलेक्शन में कंटेस्ट ना करें। उसका बाद बाई इलेक्शन आया। हम चुनाव आयोग का प्रति आभारी हूँ कि उन्होंने टाइम का अंदर 6 महीना का अंदर जैसा सिस्टम है इलेक्शन कमीशन का और हमारा कोविड भी इधर में इतना नहीं है, कम है, कंट्रोल में है। तो उन्होंने जो इलेक्शन हम लोग को कंसल्ट करके चीफ सेक्रेटरी को कंसल्ट करके इलेक्शन अनाउंस किया। एक साथ में साथ हो जाने से अच्छा ही होता। ठीक है, फिर भी हम कोशिश करेंगे। खाली हमारा इलेक्शन का कमीशन को पास एक ही रिक्वेस्ट रहेगा कि 10 तारीख से 20 तारीख तक हमारा पूजा चलेगा। पैंडल पैंडल में बहुत सारे जनता आएगा। वो टाइम अगर कैंपेन कोई ओपनली ना करे तो अच्छा है। कैंपेन करना है तो 20 तारीख से करें। 27 तारीख तक 30 तारीख में इलेक्शन है। हमारा पार्टी का ओर से हम ये चाहेंगे कि पूजा का टाइम पब्लिक को कोई डिस्टर्ब ना किया जाए कि हमारा ये फेस्टिवल सबसे बड़ा है। हम हमारा देश का जितना जनता है, जनता का प्यार मोहब्बत मेरे को मिला, आशीर्वाद मिला, दुआ मिला, सब मिला। मैं सबको धन्यवाद करती हूँ। और देखते हैं आसमान का रूप। आप लोग एक काम करो, आहिस्ता आहिस्ता घर चले जाओ प्लीज। थैंक यू। इस बार 58,000 वोटों से जीती हूं और भवानीपुर के लोगों का, वोटर्स का ये भरोसा जताने के लिए शुक्रिया अदा करती हूं, ये कहा है ममता बनर्जी ने। लोगों के प्यार से ये जीत हासिल हुई, इस बात का जिक्र ममता बनर्जी कर रही थी। ममता बनर्जी ने दरअसल इस बार तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ते हुए 58,832 वोटों से बीजेपी की कैंडिडेट प्रियंका टिब्रेवाल, जो कि ममता बनर्जी के खिलाफ चुनाव लड़ रही थी, उन्हें हराया है। और इस बम्पर जीत के बाद ममता बनर्जी को आप सुन रहे थे। ममता बनर्जी का कहना है कि सभी साजिशों को जनता ने नकार दिया। उत्तर प्रदेश का हाल, 5 साल कितने कमाल, यूपी किस पर राजी, क्या अखिलेश पलटेंगे बाजी, किसान का चेहरा क्या सिर्फ चुनावी मोहरा, ब्राह्मण शंख बजाएगा किसको कुर्सी दिलाएगा, ओवैसी का प्लान किसकी तरफ मुसलमान। साल 2022 के चुनाव का सबसे बड़ा मंच देखिए TV9 भारतवर्ष सत्ता सम्मेलन उत्तर प्रदेश 4 अक्टूबर सुबह 8 बजे से लगातार सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।